अब नीरा, शमन और बाकी सारे बाहर खड़े लोग काफी टेंस दिख रहे थे। नीरा कैलाश के लिए बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं कैलाश उस कमरे में बंद किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए। वो शमन के पास खड़ी थी और कमरे से तेज आवाजें आने की वजह से उसे ऊंची आवाज में अपनी बात कहनी पड़ रही थी। शमन, मुझे कैलाश की बहुत चिंता हो रही है। अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि कैलाश को कुछ भी हो। आपको पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर नहीं तो फिर मैं अंदर जाकर कैलाश को बाहर लेके आऊंगी। शमन नीरा को रोकते हुए कहते हैं, ऐसा करने की तुम भूल के भी गलती नहीं करना। सब कुछ तबाह हो सकता है। अभी उस कमरे की एनर्जीज इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम्हारे दरवाजा खोलते ही एक्सप्लोजन हो सकता है। हम सब मारे जा सकते हैं। कैलाश शुरुआत से ही अंदर है। उसकी बॉडी वहां की एनर्जी को झेलने लायक बन गई होगी। यह उसके लिए आसान नहीं होगा, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कैलाश अभी भी वहां डटा होगा। कमरे में होने वाली गर्जना की थरथराहट आसपास के एरिया में भी फैल रही थी और सभी अपने पैरों के नीचे उसकी पावरफुल वाइब्रेशंस अपनी पूरी बॉडी में महसूस कर रहे थे। अब उस जगह की एनर्जी साफ देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे महल को एक नीले बाउल से ढक दिया गया हो। बाहर से भी अब लोगों को दिख गया था कि महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कोई बड़ा फेरबदल महल के अंदर चल रहा है। मल्लारी की जनता भी अब महल के बाहर जुटने लगी थी और उस बड़े से नीले कवचनुमा डोम को देख के आश्चर्य में थी। महल के आसपास का एरिया उस डोम से निकल रही रोशनी की वजह से नीला हो चुका था। नीरा कैलाश के लिए प्रार्थना करती हुई कहती है, हे अनादि, कैलाश की रक्षा करना, उसे अपने काम में कामयाबी मिले। कैलाश थक के चूर हो चुका था। उसके हाथ भी अब जवाब दे रहे थे, पर अपने डैड से किए वादे के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। कमरे के अंदर का उजाला अब आंखें चुंधिया देने वाला था। कैलाश की आंखों के सामने कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था और उसे सिर्फ गर्जना ही सुनाई दे रही थी, जिससे कैलाश के दिल में दर्द भी हो रहा था। पर वो दर्द उसके हाथ में हो रहे दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। कैलाश की पकड़ अभी भी कमजोर नहीं हुई थी, पर उससे अब खून निकलने लगा था। कैलाश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बस उसने किसी तरह अपने पिता को रस्सी से थामा हुआ था। कैलाश अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथों की रस्सी में सडनली तनाव बढ़ गया हो और उसे झटके महसूस होने लगते हैं। कैलाश जैसे ही ये रियलाइज करता है, वो अपनी आंख खोल के देखने की कोशिश करता है। उसे बस अपने हाथ और रस्सी ही दिखाई पड़ती है। तभी कैलाश को दोबारा वही खिंचाव महसूस होता है। कैलाश समझ जाता है कि कुछ तो हो रहा था। रस्सी सीधे उसके पिता से जुड़ी हुई थी। रस्सी में मूवमेंट का सीधा मतलब था कि दक्ष के शरीर में मूवमेंट हो रही थी। तभी अचानक वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दक्ष पर लपेटे हुए कपड़े के चीथड़े उड़ जाते हैं और राजा दक्ष का शरीर उस खौलते हुए पानी में गिर जाता है। उसके बाद वहां सब कुछ शांत हो जाता है। सडनली वो नीला कवच भी गायब हो जाता है। बाहर चल रही तेज हवाएं भी एकदम रुक सी जाती है। सभी के शरीर ढीले हो जाते हैं, जैसे वो किसी बड़ी जकड़न से आजाद हो गए हों। नीरा को कैलाश के चिल्लाने की आवाज आती है, डैड। नीरा अंदर जाने के लिए आगे भागती है, लेकिन उससे पहले ही शमन नीरा का हाथ पकड़ लेते हैं। अंदर का कमरा एक युद्ध का मैदान दिख रहा था। हर एक चीज उथल पुथल हो चुकी थी। कैलाश ने देख लिया था कि उसके हाथ राजा दक्ष को नहीं बचा पाए।
और उस रस्सी के टूटने से उसके डैड की बॉडी खौलते हुए पानी में गिर चुकी थी। कैलाश की आंखों में आंसू थे और उसने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी डैड, मुझसे नहीं हो पाया, आई फेल्ड। कैलाश ने अपने पिता को खो दिया था, या फिर वो ऐसा सोच रहा था, और सच कुछ और ही था। राजा दक्ष का शरीर उस कुंड में था। कैलाश देखता है कि उस बड़े से कुंड से अभी भी लगातार धुआं निकल रहा था। तभी अचानक उस कुंड में हलचल होती है और राजा दक्ष का शरीर उस खौलते कुंड से बाहर आ जाता है। गर्म उबलते पानी की वजह से उनकी बॉडी में कोई भी क्षति नहीं थी और कैलाश की आंखों के सामने जो राजा दक्ष खड़े थे वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिख रहे थे। उन्होंने अभी तक अपने बेटे को देखा नहीं था। उनका पानी से तरबतर शरीर बहुत ही ज्यादा बलिष्ठ दिख रहा था। कैलाश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता है। वो जल्दी से अपनी आंखों और चेहरे से आंसू पोंछता है और खुशी खुशी अपने पिता की ओर भागता है। दक्ष के पास आते ही कैलाश को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। कैलाश अपने पैरों को जमीन पर जमा के रख भी नहीं पाता है। दक्ष के इर्द गिर्द सहन कर पाने से कहीं ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही थी जो दक्ष की अभी भी रक्षा कर रही थी। कैलाश को वहां पाते ही वो उसे जैसे वहां रहने ही नहीं देना चाहती थी। कैलाश की बॉडी को जोर से पीछे धकेल दिया जाता है जिससे कैलाश तेजी से सीधा जाकर दरवाजे से टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैलाश दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर के गलियारे में जा गिरता है। नीरा समेत सभी लोग चौंक जाते हैं और कैलाश की हालत देख के उसकी तरफ भागते हैं। नीरा चिंता में डूबी भागती हुई सबसे पहले कैलाश के पास आकर उससे संभालते हुए कहती है, कैलाश तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? कैलाश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी को हाई वोल्टेज शॉक लगा हो। अपने आप को वापस संभालता हुआ कैलाश नीरा से कहता है, मैं ठीक हूं पर डैड के पास नहीं जा सका। उनके पास जाते ही मुझे दूर फेंक दिया गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। शमन भी पास खड़े कैलाश की बात सुन रहे थे। वो तुरंत कमरे के अंदर देखते हैं। कमरा धुएं से भरा था और अंदर देख पाना मुश्किल था। कैलाश की तरफ देखते हुए शमन पूछते हैं, कैलाश तुमने कहा तुम राजा के पास गए, तो क्या हम ये समझें कि राजा अब ठीक हो गए हैं? कैलाश जमीन पर ही बैठा था। वो शमन से कहता है, हाँ मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से अपने सामने खड़ा हुआ देखा है। अंत में तो उनका शरीर उस खौलते कुंड में गिर गया था, उसके बावजूद वो उससे बाहर आ गए और उनकी बॉडी पर जलने का कोई निशान नहीं था। मैंने पास से देखा है और उसी समय कोई शक्ति थी जिसने मुझे उनसे दूर कर दिया। शमन की आंखों की चमक बता रही थी कि वो कितने खुश थे। वो कैलाश को बताते हैं, हमें राजा का यही इंतजार करना होगा। अंदर राजा का शक्ति का दायरा अत्यधिक तेज है, अंदर जाना जानलेवा भी हो सकता है। वहीं खड़े निकेत और बाकी लोगों ने भी शमन की कही बात सुन ली थी और सब आश्चर्य से उस धुएं से भरे कमरे की ओर डर से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब कैलाश बेहतर फील करता है तो वो खड़ा होने की कोशिश करता है। उसे खड़ा होने में अभी भी नीरा की मदद की जरूरत पड़ती है। वहीं कमरे के अंदर धीरे धीरे राजा दक्ष के पास का धुआं छटता है और उनकी छवि सामने आती है। उनके चारों तरफ बहुत ही पावरफुल ऑरा चमक रहा था जिसे दक्ष कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और मांसपेशियां टेंस्ड। राजा दक्ष के घाव उनकी बॉडी से गायब हो चुके थे। बिना कपड़ों के वो अपने अंदर की एनर्जी को कंटेन करने की कोशिश ही कर रहे थे। उनके लंबे बाल जो कि पूरी तरह गीले थे उनके कंधे तक लटक रहे थे। उनके शरीर से एक अलग ही तेज प्रवाहित हो रहा था। कैलाश के साथ साथ सभी लोग वहां
अपनी धड़कने थामे अपने राजा के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार आखिरकार खत्म होता है। सभी राजा दक्ष को धुएं से बाहर आता हुआ देखते हैं। उन्होंने अपने शरीर को उस फटे हुए कपड़े में लपेटा हुआ था जिससे उन्हें कैलाश ने बांधा था। फटी हुई वो चादर ना ही अब सफेद थी और ना ही दक्ष के शरीर को पूरी तरह ढक पा रही थी। सभी घबराते हुए अब उनकी दिशा में आगे बढ़ते हैं। राजा दक्ष की नजर उन सब पर पड़ती है। अभी भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था जिससे उन्हें देख रहे सभी लोग संशय में थे कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं। राजा दक्ष की नजर अपने बेटे पर पड़ती है और उनके चेहरे पर पहला इमोशन जो दिखाई देता है वो होता है खुशी का। सभी देखते हैं कि राजा दक्ष के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी और ये देखकर जैसे सभी लोग आईना बन चुके थे, अब उनके चेहरे भी स्माइल में सज जाते हैं। कैलाश शमन की तरफ देखता है मानो वो ये पूछ रहा हो कि क्या अब वो अपने डैड से मिल सकता है। शमन कैलाश की उत्सुकता देखकर हां में अपना सर हिलाते हैं। फिर भी डर उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। आगे बढ़ने के बाद भी कैलाश एक बार मुड़कर नीरा और शमन की ओर देखता है। कैलाश को ऐसा करता देखकर राजा दक्ष कहते हैं, क्या हुआ कैलाश, अपने डैड से मिलने में किस बात का डर? कैलाश समझ जाता है कि उसके सामने उसके पिता ही हैं और वो एक लंबी सांस लेते हुए भागकर अपने डैड के गले लग जाता है। राजा दक्ष भी कैलाश को गले लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारे डैड ठीक हैं कैलाश, मैं पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा हूं। कैलाश अपने डैड के चेहरे को देखता है, उसकी आंखें नम थी। फिर कैलाश कहता है, आई एम सो ग्लैड टू सी यू लाइक दिस डैड, आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूं। ऐसा कहता हुआ कैलाश दोबारा राजा दक्ष के गले लग जाता है। दक्ष समझ जाते हैं कि उनकी हालत बहुत ही खराब थी जिससे बच पाना नामुमकिन था और उन्हें ठीक होता देखकर कैलाश अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पा रहा है। वो उसे अपने से दूर नहीं करते। अब शमन, नीरा और निकेत सभी राजा दक्ष के पास आ चुके थे। शमन कैलाश के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा से कहते हैं, महाराज हम सब ने आपके बचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी पर कैलाश की जिद ने आपको मौत के मुंह से वापस छीन लिया और ऐसा करने में कैलाश ने जमीन आसमान एक कर दिया। उसने वो कर दिखाया जो आज तक नामुमकिन था। शमन की बातें सुन रहे राजा दक्ष की खुशी उनकी आंखों से आंसू बन के बहने लगती है। राजा दक्ष कमजोर नहीं दिखना चाहते थे और इसीलिए वो तुरंत अपनी आंखें पोंछते हुए कहते हैं, मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी, मुझे अपने कैलाशा से यही उम्मीद थी। कैलाश को राजा ने कैलाशा कह के पुकारा था। कैलाश को वो इस नाम से तभी पुकारते थे जब वो बेहद खुश होते थे और आज राजा दक्ष अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर पाकर अत्यधिक आनंदित थे। वो शमन से कहते हैं, शमन मेरी शक्तियों में कई गुना इजाफा हो चुका है, सामंत योग में मेरी ये बढ़ोतरी भी शायद इसी वजह से हुई है। शमन राजा दक्ष से कहते हैं, हाँ महाराज इतने दशकों से आप सामंत योग के पहले चरण में ही फंसे थे और आज कैलाश की बदौलत आपकी शक्तियों की परिधि बढ़कर एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब आपके लिए व्रत का सामना करना मुश्किल नहीं, आप दोनों के बीच की लड़ाई अब बराबरी की होगी। शमन की बातें सच थी, दक्ष अब सामंत योग के बेस लेवल से एडवांस लेवल पर आ चुके थे, व्रत के बराबर शक्तिशाली बन चुके थे। तो क्या इसी वजह से दक्ष और व्रत के बीच फिर से युद्ध होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। राजा दक्ष ने शमन की बातें सुन ली थी पर उनका वरद को परास्त करने या
उससे दोबारा युद्ध करने का कोई इरादा नहीं था। वे शमन से कहते हैं, शमन, आप भी जानते हैं युद्ध सिर्फ जरिया है, हमारी चाहत नहीं। मुझे वरद से ना तो पहले डर था और ना अब है, पर मैं बिना वजह लड़ाई करने का इच्छुक नहीं हूं। इसमें किसी और का नहीं, अंगीरा का ही नुकसान है। शमन बिना कुछ कहे अपना सर राजा के सामने झुका लेते हैं। थोड़ी ही देर में राजा के लिए उनका अंगवस्त्र लाया जाता है। अब राजा अपने पुराने वेश में आ जाते हैं। राजा दक्ष कहते हैं, उस लड़ाई से अंगीरा का पहले ही काफी नुकसान हो चुका है, अब आगे मैं और कोई युद्ध करना नहीं चाहता। निकेत तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के चक्कर में बोल पड़ता है, जो आपकी आज्ञा महाराज। निकेत को देखकर सभी उसकी तरह राजा के सामने अपना सर झुका लेते हैं। निकेत पर राजा दक्ष की नजर पड़ती है और वो कहते हैं, आप सभी जा सकते हैं, मुझे निकेत और कैलाश से कुछ बात करनी है। कैलाश और निकेत के अलावा बाकी सब वहां से जाने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि राजा को उनसे क्या बातें करनी है। राजा दक्ष वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे कैलाश और निकेत भी उस कमरे में एंटर करते हैं। निकेत वहां का नजारा देख के शॉक्ड हो जाता है। धीरे धीरे चलता हुआ निकेत अपना सर घुमाता है और पूरे कमरे को हैरान होकर देखता है। राजा दक्ष उन दोनों के आते ही कहते हैं, मुझे पता है कि मेरी जान बचाने में सिर्फ कैलाश का हाथ नहीं है। निकेत समझ नहीं पाता है कि राजा दक्ष क्या कहना चाह रहे थे। महाराज, कैलाश ने ही आपकी जान बचाई है, इसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। दक्ष निकेत की ओर देखते हुए कहते हैं, मुझे पता है निकेत, तुमने कैलाश की मदद की थी, आगे आओ मेरे पास। यह सुनकर कैलाश भी कंफ्यूज था और वो निकेत को आगे जाते देख रहा था। राजा दक्ष उस कुंड के पास जाते हैं और उसमें हाथ डाल के एक पोटली निकालते हुए निकेत की तरफ बढ़ाते हैं। निकेत बिना कुछ पूछे उस पोटली को अपने हाथ में ले लेता है। उसे उसमें कोई जानी पहचानी सी चीज महसूस होती है। वो अपनी नजर राजा पर ही टिकाए रखता है। फिर राजा दक्ष उससे कहते हैं, निकेत, इसमें मणि है, इनकी गिनती उतनी ही है जितनी तुमने कैलाश को दी थी। अपने डैड की बातें सुनकर कैलाश चौंक जाता है और निकेत का भी वैसा ही हाल था। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या राजा दक्ष को वो भी पता है जो उसके और कैलाश के बीच में बात हुई थी। पर अपने मन में उठ रहे उस सवाल को निकेत अपनी जबान पर नहीं लाता। वहीं कैलाश समझ नहीं पाता कि इस बारे में वो कुछ कहे भी या नहीं। बाद में वो शांत ही रहना ठीक समझता है। तभी निकेत से राजा दक्ष कहते हैं, निकेत, तुम अगर यह मणि कैलाश को नहीं देते तो शायद वो मुझे बचा नहीं पाता। यह एहसान है तुम्हारा और इसे भूला नहीं जाएगा। निकेत अपना सर झुकाए बस दक्ष का कहा सुन रहा था। उसकी कुछ भी कहने की हालत नहीं थी। कुछ ही समय पहले राजा दक्ष अपने बेड पर लेटे जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और उस वक्त भी उन्हें उनकी पीठ के पीछे क्या हुआ इसकी जानकारी थी। निकेत कुछ भी कहता तो उससे उसकी सोच, उसकी चाहतें शीशे की तरह राजा दक्ष के सामने साफ हो जाती। निकेत का चुप रहना ही बेहतर था। वो नहीं चाहता था कि राजा दक्ष को पता चले कि वो एक दिन अपने आप को उनकी जगह बैठे देखना चाहता था और इसी वजह से उसने कैलाश को वो 100 मणियां दी थी। निकेत कैलाश की तरफ देखता है। उसे उस पर शक होता है कि कहीं कैलाश ने तो राजा दक्ष से यह बात नहीं कही, और अगर ऐसा है तो यकीनन कैलाश ने उसके साथ धोखा किया था, क्योंकि अब मणि मिलने के बाद कैलाश को किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। जब कैलाश निकेत को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि निकेत क्या सोच रहा था। तभी दक्ष कहते हैं, निकेत, अब तुम जा सकते हो। निकेत तुरंत अपने राजा के सामने झुकता है और उनके आदेश का पालन करता हुआ वहां से चला जाता है। फिर दक्ष कैलाश की तरफ देखते हैं। कैलाश अब थोड़ा
अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो दक्ष कहते हैं, कैलाश क्या मुझे तुम बताना चाहोगे कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए क्या किया है? इस पर कैलाश कहता है, डैड काफी लंबी कहानी है और आपकी तबीयत अभी भी ठीक हुई है, मैं जरूर आपको सब कुछ बताऊंगा, पर आज नहीं, अभी आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। कैलाश को अब यकीनन दक्ष को कुछ ना कुछ तो बताना होगा, पर इसके पहले कि वो अपने डैड को कुछ भी बताए, उसे ये तय करना होगा कि दक्ष कितना जान चुके हैं। मणि की बात उन्हें पता थी, कैलाश समझ चुका था कि कुछ भी छिपाने से पहले उसे समझदारी से काम लेना होगा। दक्ष भी कैलाश की बढ़ी हुई शक्तियों का राज जानना चाहते थे। वो कहते हैं, ठीक है कैलाश, मैं आराम करता हूं, पर तुमसे तुम्हारे एडवेंचर के बारे में जानने की मेरी बहुत इच्छा है। कैलाश कहता है, जी डैड हम जल्दी बात करते हैं। ऐसा कहकर कैलाश वहां से चला जाता है और दक्ष अपने बेटे को जाता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद कैलाश अपने कमरे में आता है। अंदर आते ही कैलाश नौक्रम से पूछता है, नौक्रम क्या तुम बता सकते हो कि डैड क्या जानते हैं मेरे बारे में? नौक्रम कहता है, कैलाश तुम्हारे पिता को तुम्हारे और निकेत के बीच हुए सौदे के बारे में कोई आइडिया नहीं है। कैलाश पूछता है, तो फिर उन्हें उन मणियों के बारे में कैसे पता चला और उनके पास उतनी मणियां आई कैसे? नौक्रम कैलाश को बताता है, कैलाश तुम्हारे पिता का भी तुम्हारी ही तरह नया जन्म हुआ है और ऐसे में उनका पिछला जो भी कर्ज था वो उन्हें लौटाना था और वो वही कर रहे थे। पर उन्हें ये कैसे पता चला कि निकेत से मैंने ही मदद ली थी और कितनी मणियां ली थी, यह भी उन्हें पता था कैसे? नौकरम कैलाश से कहता है, कैलाश ये बात तो तय है कि अब राजा दक्ष से ज्यादा बातें छिपाई नहीं जा सकती। ये भी हो सकता है कि ये उनकी शक्ति की वजह से हो। कैलाश नौकरम की कही बातों पर अमल ही कर रहा था कि उसके मन में एक जरूरी बात आती है और वो पूछ बैठता है, क्या डैड के अंदर भी तुम्हारे जैसा कोई सिस्टम आ चुका है? नौकरम कहता है, ऐसा संभव नहीं है, इस धरनी में तुम जैसा और कोई नहीं है। इस पर कैलाश पूछता है, और क्या वो मेरे और तुम्हारे बारे में भी जानते हैं? नहीं कैलाश, वो बस क्यूरियस हैं, ये जानने के लिए कि तुम्हारी शक्तियां अचानक कैसे बढ़ गई, उन्हें हमारे बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। नौकरम की बात सुनकर कैलाश सोच में डूबा हुआ कहता है, तो इसका मतलब डैड को तुम्हारे और मेरे बारे में छोड़ के किसी भी बात पर अब अंधेरे में नहीं रखा जा सकता? नौकरम कैलाश की बात को सही ठहराता हुआ कहता है, एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है। कैलाश समझ चुका था कि राजा दक्ष अब पहले जैसे नहीं रहे, वो और भी शक्तिशाली हो चुके हैं और उन्हें अब शायद लोगों के दिल की बात जानने में समय नहीं लगेगा। कैलाश मन ही मन कहता है, जो भी हो बस उन्हें मेरे और नौकरम के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। इतने में कैलाश का फोन बजता है, वो देखता है निकेत उसे कॉल कर रहा था। कैलाश निकेत का कॉल लेता हुआ कहता है, हेलो। हाँ निकेत। दूसरे एंड से कैलाश को निकेत की आवाज सुनाई देती है, कैलाश तुम्हारा मैं स्टेडियम में वेट कर रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। कैलाश को समझ नहीं आता है कि निकेत को उससे क्या कहना था, वो भी इतनी रात गए। वो निकेत से कहता है, तुम्हें जो भी कहना है क्या वो कल सुबह तक नहीं रुक सकता? निकेत का जवाब आता है, नहीं मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। निकेत कॉल काट देता है। कैलाश के चेहरे पर चिंता दिखाई देती है। राजा के कमरे से जाने के पहले कैलाश ने निकेत को उसकी तरफ देखते हुए देखा था। निकेत राजा दक्ष की बातों से खुश नजर नहीं आ रहा था और वो लगातार कैलाश को ही देख रहा था। क्या कहना चाहता था निकेत? कैलाश यही सोचता हुआ अपने कमरे से बाहर चला जाता है। महल में हर ओर खामोशी छाई हुई थी, सभी अपने अपने कक्ष में आराम करने चले गए थे। कुछ गार्ड्स ही
बस अपनी ड्यूटी करते हर जगह चौकन्नी निगाह रखे हुए थे। वो कैलाश को महल से बाहर जाता देखते हैं। आज के इस कैलाश को बाहर जाता देख कोई भी गार्ड कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसके विपरीत पहले कैलाश को अकेले अंगीरा में इतनी रात गए बाहर जाने देने के आदेश नहीं थे, और वही गार्ड्स जो आज कैलाश से बात करने में भी डरते हैं, वो उसे उसके कमरे में वापस भेजने में जरा भी नहीं कतराते थे। वो सभी कैलाश के पीठ पीछे उसकी हंसी भी उड़ाया करते थे। यह बात कैलाश जानता था, पर कुछ कहता नहीं था। उसे पता था कि जो भी उसके बारे में बाहर या उसके पीछे कहा जाता था वो झूठ नहीं था। कैलाश बड़े दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मल्लारी की जनता भी सो चुकी थी। वीरान रास्तों से होता हुआ कैलाश स्टेडियम की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद कैलाश उसी जगह से गुजरता है जहां उसका सामना तक्ष से हुआ था। एक छोटी सी लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया कैलाश को पता ही नहीं चला, और उसके बाद जो तबाही का मंजर मल्लारी ने देखा था उसका परिणाम कैलाश के सामने था। पूरा इलाका बर्बाद हो चुका था, और रात के अंधेरे में वही उजड़ा हुआ इलाका किसी डरावने खंडर में तब्दील हो चुका था। लड़ाई की उत्तेजना में और उस माहौल में कैलाश ने इस तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया था। अब रात में अकेले वहां से गुजरता हुआ कैलाश अपने डैड की सूझबूझ के बारे में सोचता है। मौत के दरवाजे पर खड़े थे राजा दक्ष, उसके बाद भी उनके दिल में इस तबाही की चिंता थी। उस एरिया को क्रॉस करता हुआ कैलाश स्टेडियम की ओर बढ़ जाता है। स्टेडियम भी दक्ष और वरद के युद्ध की ही गवाही दे रहा था, पर लड़ाई वाली जगह से दूर होने की वजह से यहां उतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। स्टेडियम खाली था। बड़े से मैदान पर सिर्फ चांद की रोशनी पड़ रही थी, और इसी बीच कैलाश को निकेत दूर खड़ा दिखाई देता है। कैलाश उसकी ओर बढ़ जाता है। निकेत उस स्पॉट को देख रहा था जहां वो कुछ दिनों पहले कैलाश से द्वंद हारने के बाद बेहोश पड़ा था। कैलाश भी वहां पहुंच जाता है। कैलाश निकेत को देखता है और कहता है, निकेत, तुमने मुझे यहां अकेले क्यों मिलने बुलाया है? क्या कहना चाहते हो? कैलाश को थोड़ा अंदाजा तो था कि निकेत के मन में क्या चल रहा था। अपना सवाल पूछ के कैलाश चुप हो जाता है, और वो देखता है कि निकेत ने अभी तक कैलाश की ओर देखा नहीं था। उसकी नजरें उसी स्पॉट पर गड़ी हुई थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद निकेत कैलाश से कहता है, तुमने पहली बार मुझसे वो झूठ यहीं इसी जगह कहा था। कैलाश कुछ समझ नहीं पाता है और पूछता है, कौन सा कैसा झूठ निकेत? निकेत कैलाश को देखता है और कहता है, यही कि तुम्हें अंगीरा का राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम मुझे वो जगह देना चाहते हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे पिता की जगह लूं, पर मुझे नहीं पता था कि वो सब एक झूठ था, फरेब था और कुछ नहीं। कैलाश का अंदाजा सही था। निकेत को कैलाश के इरादों पर अब यकीन नहीं था। उसे लगने लगा था कि कैलाश ने उसके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। तो क्या जवाब होगा कैलाश का? क्या वो निकेत को मना पाएगा, या फिर उसका नीरा के साथ किया बर्ताव कैलाश को याद आ जाएगा और यहां बात निकेत के लिए खराब हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी फरेब नहीं किया निकेत, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा सोचा तो होता, कैलाश निकेत से कहता है। पर निकेत था कि सब कुछ सोच कर ही बैठा था, और अब निकेत कैलाश से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने सोचा नहीं है? तुम गलत हो कैलाश। तुम्हारा मेरे पास आना, मुझसे मणि लेना और वादा करना कि राजा दक्ष के बाद मैं ही अंगीरा का अगला राजा बनूंगा, और फिर अचानक महाराज मुझे वो सारी मणियां वापस कर देते हैं, इसका क्या मतलब है कैलाश? ये तुम भी जानते हो। यही कि तुमको उस वक्त मणियों की जरूरत थी जिस वक्त तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और कौन काम आया तुम्हारे
उस बुरे वक्त में मैं तुम्हें पता था कि मेरा एम्बिशन क्या है, क्या चाहता हूं मैं। तुमने उसका फायदा उठाकर मुझसे छल किया और वो मणि झूठ बोलकर ले ली। और अब काम पूरा हो गया तो बड़ी ही चालाकी से महाराज के जरिए तुमने वो मणियां लौटा दी। तुम जानते थे कि कुछ भी हो जाए मैं महाराज को ना नहीं कह सकूंगा, और जब मणियां मुझे वापस कर दी जाएंगी तो तुम्हारे किए वादे की कोई मॉरल बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक कहा ना मैंने? कैलाश कशक ठीक निकला। निकेत उसे शिकायत भरी नजरों से देख रहा था। निकेत काफी उत्तेजित था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कैलाश बोलता है, तुम्हें मेरे दिए हुए वादे पर भरोसा नहीं रहा, पर तुम्हारी सोच का कारण मैं नहीं समझता निकेत। ओह रियली? हाँ निकेत, अगर मेरी इस बात से कुछ फर्क पड़ता हो तो मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही सोचता। निकेत कैलाश को और वक्त देता है अपनी बात रखने का और उसकी ही तरफ देखता है। कैलाश आगे कहता है, निकेत मेरी बात पर तुम भरोसा करो, जो भी डैड ने किया उसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मैं खुद शॉक्ड था कि उन्हें यह बात कैसे पता चली कि मैंने तुमसे 100 मणियां ली हैं। भरोसा करो, आई वॉज रियली शॉक्ड। निकेत को कैलाश की बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो मॉकिंग स्माइल देते हुए अपनी नजरें फेर लेता है। कैलाश ने देखा कि उसने अपनी बात तो निकेत के सामने रख दी थी, पर उसका असर निकेत पर नहीं हुआ था। कैलाश कुछ सोच के बोलता है, निकेत मैंने तुम्हें जो जबान दी है वो अभी भी अडिग है। हमारे बीच हुआ वो समझौता, मेरा तुमको दिया हुआ वचन अभी भी है, और तुम वो सारी मणियां अपने पास ही रख सकते हो। पर जो बात हमारे बीच हुई थी फ्यूचर में वही होगा। डैड के बाद अंगीरा का राजा तुम ही बनोगे। मेरे लिए वो मणि नहीं, डैड इंपॉर्टेंट है, जिनकी जान तुम्हारी ही मदद से बची है। निकेत को कैलाश की बातें अब जाके समझ आती हैं। फिर भी वो कैलाश से कन्फर्म करता हुआ पूछता है, तो क्या मैं समझूं कुछ भी नहीं बदला है? निकेत मैं अपनी दी हुई जबान से पीछे नहीं हटूंगा। कैलाश निकेत को दिलासा देता हुआ कहता है। निकेत भी कैलाश की आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, मानो उसके हर शब्द परख रहा हो। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही शांत रहते हैं। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। रात की खामोशी उनके बीच रुकी बात को और इंटेंस कर रही थी। कुछ दिन पहले दोनों हजारों की भीड़ और उनके मचाए कोलाहल के बीच थे, और आज ठीक उसके विपरीत दोनों अकेले आमने सामने खड़े थे, पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। काफी देर शांत रहने के बाद निकेत बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। उसे कैलाश की कही बातों पर, उसके दिए वादे पर भरोसा हो गया था। जाते हुए निकेत से कैलाश कहता है, निकेत। निकेत रुकता है और मुड़कर कैलाश की ओर देखता है। कैलाश कहता है, अगर आज के बाद नीरा पर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारे इस हाथ के साथ इस डील को भी तोड़ दूंगा। निकेत कहता है, मैं समझता हूं ऐसा आगे नहीं होगा। जो भी मैंने किया अपने महाराज को देखने के लिए किया था। नीरा हमारे रास्ते में बाधा बनी हुई थी। कैलाश निकेत से कहता है, वो मेरे ऑर्डर्स थे। निकेत कैलाश को जवाब देता हुआ कहता है, होंगे तुम्हारे ऑर्डर्स, पर तुम मेरे राजा नहीं हो। ऐसा कहकर निकेत कैलाश को उस बड़े से स्टेडियम में अकेला छोड़ के चला जाता है। अब कैलाश अकेले कुछ देर उस बड़े से मैदान की तरफ देखता है। अपने आप को अकेला पाके कैलाश को थोड़ा अच्छा लग रहा था। उस युद्ध के बाद कैलाश की लाइफ किसी एडवेंचर राइड जैसी ही हो गई थी, जहां उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। और उस दौरान कैलाश ने क्या कुछ नहीं किया। उस अंधी खाई में उसका वापस जाना, जिस मगर से उसने अपनी जान बचाई थी, ना सिर्फ उसने दोबारा उसका सामना किया था बल्कि उसे अपनी सवारी बनाया था। जिंदगी में पहली बार प्लेन उड़ाया था और एक सेना से लड़के उनके इलाके से उस बूटी को ले आया जिस पर अपने हाथ रखना ही मुश्किल था। और फिर इन सब से भी भयंकर एक्सपीरियंस अपने डैड को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होता देखना। ऐसा तजुर्बा जो कैलाश ने कुछ ही दिनों में कर लिया था,
वैसा तो लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, और इतने हाई ऑक्टेन एडवेंचर के बाद निकेत के साथ कैलाश की ये मुलाकात शायद इस चैप्टर का आखिरी पन्ना था। कैलाश सोचता है कि उसके पास अब कुछ खास है नहीं करने को, वो कुछ दिनों तक अब सिंपल लाइफ जी सकता है जहां वो अपना पूरा समय नीरा के साथ बिता पाएगा, उसके करीब हो पाएगा। रात अब सुबह की ओर बढ़ रही थी और इसी सोच में डूबा कैलाश स्टेडियम में ही सो गया था। महल में सुबह हो चुकी थी और महल के कॉरिडोर से होता हुआ कैलाश आगे बढ़ रहा था। उसे तलवार टकराने की आवाजें आती है जिन्हें सुनकर कैलाश के चेहरे पर चिंता के बजाय स्माइल आ जाती है। कैलाश कॉरिडोर से चलता हुआ महल के एक बड़े से कोर्टयार्ड में आता है। महल में ऐसे कई कोर्टयार्ड्स थे। कैलाश के सामने नीरा कुछ गार्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। उसने अपने लंबे बालों को बांध रखा था और नीरा का चेहरा पसीने से लथपथ था। अपने हाथों में तलवार और ढाल लिए नीरा एक साथ दो गार्ड्स के साथ युद्धाभ्यास कर रही थी। नीरा की सांसें फूली हुई थी और वो पूरी तरह पसीने से तरबतर हो चुकी थी। कैलाश देखता है कि नीरा के मूवमेंट्स थकान के बावजूद भी सटीक थे, जिनमें स्पीड की कोई कमी नहीं थी। गार्ड्स के अटैक्स से नीरा न सिर्फ अपने आप को बखूबी बचा रही थी बल्कि उनके अटैक्स के बीच समय निकालकर खुद भी अटैक कर पा रही थी। नीरा को देखकर कैलाश खुश हो रहा था। नीरा की फुर्ती और दक्षता से प्रभावित कैलाश सोचता है, क्या वो खुद इतनी अच्छी तलवारबाजी कर सकता था? नौकरम के मिलने से पहले तक तो यकीनन नहीं, पर अब कैलाश की शक्तियां बढ़ चुकी थी। इसके बावजूद कैलाश ने अभी तक तलवार के साथ अपनी दक्षता नहीं परखी थी। उसे अभी भी याद है निकेत से द्वंद्व की पिछली रात। कैलाश ने नीरा के ही साथ घंटों तलवारबाजी की प्रैक्टिस की थी। उस वक्त तो कैलाश के पास शक्ति आ चुकी थी और वो चाहता तो नीरा के खिलाफ उसे परख सकता था, पर कैलाश ने वैसा नहीं किया। नीरा ने अब तक उन दो गार्ड्स को हरा दिया था और दोनों की तलवारें उनके हाथ से दूर हो चुकी थी। नीरा के सामने दोनों निहत्थे खड़े थे और तभी नीरा ने अपनी तलवार नीचे कर ली। वहां खड़े सभी लोग इम्प्रेस थे क्योंकि नीरा जिनसे लड़ रही थी वो कोई मामूली गार्ड्स नहीं थे। वेद कुल की आर्मी के कुछ चुनिंदा लड़कों में से थे वो दोनों और नीरा ने उन्हें परास्त किया था। नीरा अपनी तलवार रखने ही वाली थी कि उसे कैलाश की आवाज सुनाई दी। पीछे से नीरा को पुकारता हुआ कैलाश कहता है, नीरा मुझे भी प्रैक्टिस का मौका दो। नीरा मुड़कर कैलाश को देखती है। तलवार अभी भी उसके हाथों में ही थी और कैलाश ने भी कोर्टयार्ड में आकर एक तलवार अपने हाथों में ले ली थी। नीरा कैलाश को देखती है और कहती है, कैलाश तुम ठीक है? देखते हैं मेरी ट्रेनिंग का कुछ असर हुआ है या नहीं। ऐसा कहते हुए नीरा वापस कोर्टयार्ड के बीच में जाकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। नीरा जानती थी कि कैलाश अब उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, पर यह कोई असल की लड़ाई नहीं थी, यह तो सिर्फ प्रैक्टिस फाइट थी। कैलाश जैसे स्ट्रांग ओपोनेंट से लड़कर नीरा को ही फायदा होने वाला था। कैलाश भी मुस्कुराता हुआ नीरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों की फाइट देखने के लिए कुछ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। राजा दक्ष भी अपने कक्ष से नीरा और कैलाश को देख रहे होते हैं। उन्हें भी वो रात याद आती है जिस रात नीरा कैलाश को अगले दिन की तैयारी करा रही थी। उस रात तो कैलाश नीरा के सामने कुछ भी नहीं था। वो भी उत्सुक थे इस फ्रेंडली फाइट का नतीजा देखने के लिए। नीरा और कैलाश के बीच वो फ्रेंडली फाइट शुरू होती है। कैलाश अपनी नजरें नीरा के चेहरे से हटाता ही नहीं है। नीरा भी कैलाश को ही देखती है, पर उसकी तलवार और उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन कैलाश की तलवार पर होता है। कैलाश का चेहरा पूरी तरह काम था, पर नीरा के चेहरे पर टेंशन देखी जा सकती थी।
कैलाश मुस्कुराता हुआ नीरा के अटैक्स को डिफेंड कर रहा था और नीरा की तलवार बेरोक लगातार कैलाश पर हर दिशा से बरस रही थी। नीरा देखती है कि उसकी तलवार कैलाश के डिफेंस को भेद नहीं पा रही थी और नीरा कैलाश के अटैक से बचते हुए अपने को उससे दूर करती है और वो तुरंत अपने दूसरे हाथ में भी तलवार ले लेती है। यह देख के कैलाश को आश्चर्य होता है और कैलाश अपनी फीलिंग्स छुपाता भी नहीं है। लड़ने के लिए तैयार नीरा कैलाश से कहती है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। कैलाश अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखता है और कहता है, पर यह तो पूरी कहावत नहीं है। नीरा के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान आती है पर नीरा उसे तुरंत छिपाती हुई कैलाश पर वापस अटैक कर देती है। इस बार कैलाश शायद नीरा के इरादों को भांप नहीं पाया था और अचानक नीरा का अग्रेसिव अटैक उसे थोड़ी ही देर के लिए ही सही पर बैकफुट पर ले आया था। कैलाश अपने आप को संभालता है और नीरा के बरसते अटैक से अपने को दूर करता है पर नीरा थी कि उसे वक्त ही नहीं देना चाहती थी। वो कैलाश को अपने अटैक से दूर होने नहीं देती है। कैलाश देखता है कि अब नीरा के हाथों की दो तलवारें उसे खासा परेशान कर रही थी। कैलाश अपने एक खली का इस्तेमाल करते हुए नीरा का एक हाथ पकड़ लेता है और इससे पहले कि नीरा अपना हाथ छुड़ा पाए वो देखती है कि कैलाश घूमकर उसके पीछे जा चुका था और उसने अपनी तलवार को सामने लाकर नीरा के गले पर रख दिया था। अगर यह असल लड़ाई होती तो अभी तक नीरा का सर धड़ से अलग कर दिया जाता। नीरा अपना हाथ ऊपर कर लेती है। वहां खड़े सभी लोग नीरा की फाइटिंग देख के काफी इंप्रेस थे। यकीनन कैलाश ने एंड में जीत हासिल की पर पूरी लड़ाई में नीरा ही हावी थी। कैलाश नीरा से कहता है, बट दिस वॉज नॉट वॉर, तुम तो मुझे मार ही देती यार। ऐसा कहकर कैलाश झटके से नीरा से दूर हो जाता है। नीरा जब कैलाश की तरफ मुड़कर देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है। कैलाश की सांस में सांस आती है और कैलाश कहता है, शुक्र है मैं तुमसे असल लड़ाई नहीं लड़ा, पता नहीं तुम क्या कर देती। नीरा को पता था कि कैलाश मजाक कर रहा था। नीरा हंसती हुई कहती है, शट अप। दूर से यह फाइट देख रहे राजा दक्ष अपने बेटे के लिए खुश थे। सब कुछ सही होता लग रहा था। तभी शमन और कुछ मंत्री राजा दक्ष के कमरे में आने की इजाजत मांगते हैं। उनके चेहरों पर थोड़ी चिंता देखी जा सकती थी। ऐसा क्या था जो राजा दक्ष को बताया जाने वाला था? अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली थी अंगीरा पर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। दक्ष कैलाश और नीरा की फाइट से अपना ध्यान हटाते हुए शमन की ओर देखते हैं। दक्ष को शमन के साथ उनके कुछ मंत्री भी दिखाई देते हैं। वो उन सब से पूछते हैं, क्या बात है शमन? यतीश, आप सभी इतनी सुबह, क्या बुरी खबर है? राजा दक्ष सभी को अपने सामान देखकर थोड़ा कंफ्यूज थे। उन्हें सभी चिंतित दिख रहे थे और सभी एक दूसरे को देख रहे थे। जाहिर था कि राजा से कौन बात करेगा ये तय नहीं हुआ था। राजा फिर पूछते हैं, आप लोग शांत क्यों हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? यतीश तुम बताओ। यतीश कम उम्र का था और राजा दक्ष के मंत्रिमंडल में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर था। उसके हाथ में एक पेपर का रोल था जिसे आगे करते हुए यतीश कहता है, महाराज यह आज के पेपर में छपा है। दक्ष न्यूज़पेपर देखते हैं। उसमें हेडलाइंस थी, राजा दक्ष के महल में जादुई कारनामे। राजा दक्ष उस आर्टिकल को पढ़ने लगते हैं। पूरा पढ़ने के बाद राजा दक्ष के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आती हैं। उस आर्टिकल में साफ लिखा था जो शहर की सारी जनता ने अपनी आंखों से होता देखा था और उस वाकये को इस न्यूज पीस में दक्ष और वरद के बीच हुई उस लड़ाई से जोड़ दिया गया था।
जिसके बाद राजा के फेटली इंजर्ड होने वाली बात भी महल से बाहर निकल चुकी थी। राजा दक्ष शमन को देखते हुए कहते हैं, मतलब हम इस बात को महल तक ही नहीं कर पाए, लोगों तक बात पहुंच चुकी है। शमन कहते हैं, जी महाराज, अब सभी को पता चल चुका है कि आप वरद से लड़ने के बाद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। ऐसा कहकर राजा किसी सोच में जा ही रहे थे कि यतीश कहता है, महाराज एक और बात है। राजा पूछते हैं, बताओ यतीश क्या बात है। यतीश बताता है, महाराज सप्तम से त्रिवास को वार्निंग दी गई है कि वो त्रिवास पर अटैक कर सकते हैं। उन्होंने अंगीरा का प्लेन रिकवर कर लिया है। यह हमारे लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है। महाराज धवल तक अगर ये न्यूज पहुंच चुकी है तो उन्हें संभालना मुश्किल होगा। दक्ष कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, यह खबर अच्छी नहीं है। मेरी बात महाराज धवल से तुरंत कराई जाए, उनसे समय मांगो कि मुझे उनसे बात करनी है। दक्ष का ऑर्डर मिलते ही यतीश तुरंत कहता है, जी महाराज, और वो वहां से चला जाता है। शमन अभी भी वहीं थे और राजा दक्ष को ही देख रहे थे। शमन बाकी के लोगों को इशारा करते हैं, जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। राजा दक्ष देखते हैं कि शमन को शायद कुछ और भी कहना था। दक्ष पूछते हैं, क्या आप भी मेरे लिए कोई बुरी खबर लाए हैं शमन? शमन अपना सर नीचा कर लेता है और कुछ नहीं कहते। दक्ष शमन से पूछते हैं, शमन ज्यादा सोचिए मत, बस कह दीजिए जो भी आपके मन में है। शमन दक्ष को बताते हैं, महाराज खबर ओली से आ रही है। ओली का नाम सुनते ही दक्ष के कान खड़े हो जाते हैं। ओली जो कि अंगीरा के ही जैसा त्रिवास का एक साम्राज्य था। राजा दक्ष शमन से कहते हैं, क्या खबर है ओली से शमन? शमन राजा दक्ष को बताने में थोड़ा झिझक महसूस कर रहे थे और दक्ष शमन के अंदर छुपी बात को सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। इधर महल में हो रही कुछ चिंताजनक बातों से दूर कैलाश और नीरा अपनी फेवरेट जगह पर साथ बैठे थे। थकी हारी नीरा कैलाश की तरफ देखते हुए पूछती है, कैलाश कल रात तुमने समय पे आकर सब कुछ संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पर मेरे आने के पहले जो तुम और शमन ने किया वो भी बड़ी बात थी, कैलाश नीरा से कहता है। नीरा बोलती है, अब ये अपने आप को छोटा दिखाने की आदत तुम्हें छोड़ देनी चाहिए कैलाश, कुछ समय के बाद ये तुम्हारा दिखावा लगने लगेगा। तुम भी जानते हो हमने जो किया वो कोई और भी कर सकता था। शमन जैसे इंसान को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मुझ जैसे तो सैकड़ों हैं अंगीरा में। कैलाश तुरंत नीरा की बात काटते हुए कहता है, ये बात तुमने सरासर गलत कही है, मेरे लिए इस धरनी में तुम जैसा कोई नहीं। नीरा कैलाश की बात काटते हुए कहती है, यह तो तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूं। कैलाश नीरा की आंखों में देख रहा था, वो उसे ही देखता रहता है पर कुछ कहता नहीं है और बस स्माइल करता रहता है। नीरा को सडनली कैलाश के उसे ऐसे देखने से शर्म आ जाती है। वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो कैलाश, स्टॉप इट। इस पर कैलाश कहता है, नीरा मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, मेरे लिए तुमसे इंपॉर्टेंट और अनूठा कोई नहीं है। जब किसी ने भी मेरे अंदर नहीं झांका था, जब मुझे कमजोर देखकर किसी ने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की, तब तुम मेरे साथ थी। मेरे हर कदम पर मैंने तुम्हें ही अपने पास पाया। नीरा कहती है, इसी को तो दोस्ती कहते हैं कैलाश। कैलाश कहता है, यह सिर्फ दोस्ती नहीं है नीरा, तुम भी जानती हो। नीरा अपनी नजरें कैलाश से चुराते हुए कहीं और देखने लगती है। उसे पता था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी जो नीरा और कैलाश को एक दूसरे से बांधे हुई थी, पर नीरा कहने से डरती है, उस अनकहे सच को अपनी जबान पर लाने से डरती थी। शायद तुम सही कह रहे हो और इसीलिए तो मैंने उस दिन तुमसे वो बात कही थी। नीरा अपने चेहरे पर शैतानी भरी स्माइल लाते हुए कैलाश से कहती है।
कैलाश को नीरा का इशारा समझ नहीं आता है और वो पूछता है, कौन सी बात? नीरा कैलाश को देखते हुए कहती है, वही आई डोंट माइंड वाली बात जो मैंने तुमसे उस रेस्टोरेंट में कही थी। नीरा की बात सुनते ही कैलाश के चेहरे पर भी खुशी छा जाती है। कैलाश का दिल नीरा के साथ ही जोर से धड़क रहा होता है। दोनों के सामने उस शाम का वो मंजर आ जाता है जब दोनों एक दूसरे को अपनी आगोश में लिए किस कर रहे थे। नीरा की धड़कन के साथ साथ उसकी खुशी भी अचानक बढ़ गई थी, जिसे छुपाते हुए नीरा निचले होठों को दांतों तले दबा लेती है और कैलाश से अपना मुंह फेर लेती है। कैलाश को भी नीरा की बात का इशारा अपनी ओर आगे बढ़ने की इजाजत दे रहा था। कैलाश अपने हाथ से नीरा के चेहरे को अपनी ओर मोड़ता है। दोनों की धड़कनें तेज थी, जैसे सुबह एक दूसरे से लड़ते वक्त थी। कैलाश थोड़ा नर्वस दिख रहा था। फिर वो धीरे से अपने चेहरे को नीरा के चेहरे के करीब ले जाता है। कैलाश नीरा को किस करने ही वाला था कि नीरा उसे रोकती है। कैलाश? कैलाश रुक जाता है और नीरा की तरफ देखता है। कहो। नीरा अपने चेहरे पर कैलाश की गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी। वो अपने इमोशन कंट्रोल करते हुए कहती है, कैलाश तुम सप्तम से वो त्रिगुण बूटी कैसे लाए? मुझे जानना था। आई वॉन्ट टू नो कि तुमने वो काम कैसे कर दिखाया। कैलाश गहरी सांस लेता है और अपने अंदर उफान मार रहे जज्बातों को कंट्रोल करता हुआ नीरा से थोड़ी दूरी बनाता है। फिर कुछ सोचते हुए कैलाश नीरा से कहता है, नीरा उसे अपने बैग में रखने के लिए मैंने जिस चीज का यूज किया था वो था कॉमन सेंस, बस और कुछ नहीं। आई डोंट बिलीव दैट, नीरा कैलाश से कहती है। कैलाश अभी भी रोमांटिक मूड से बाहर नहीं आया था और वो साफ समझ रहा था कि नीरा उसके साथ खेल रही है। वो नीरा के हाथों को पकड़ के उसे अपनी ओर खींचता है। नीरा इसके लिए तैयार नहीं थी और उसके मुंह से आ निकल गई। कैलाश का चेहरा नीरा को अचानक से बदला बदला सा लगने लगता है। नीरा को लगता है कि कहीं उसका दिल बाहर ही ना आ जाए। नीरा कैलाश से कहती है, कैलाश ये क्या कर रहे हो? कैलाश के होठ अब नीरा के बिखरे बालों के करीब थे। कैलाश नीरा को कान में कहता है, यू हैव टू बिलीव मी नीरा, भरोसा है मुझ पर। नीरा कहती है, इसीलिए तो तुमसे दूर नहीं हो पा रही हूं। नीरा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। ठीक वैसे ही कैलाश के सामने अंधेरा सा था, नीरा के उलझे लंबे बालों का अंधेरा। कैलाश के हाथ आगे बढ़ते हुए नीरा के उन उलझे बालों को सहलाने लगते हैं। नीरा भी अब रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और अब उसने कैलाश के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया था। कैलाश और नीरा के होठ अब एक दूसरे के करीब थे और इससे पहले कि दोनों के कांपते होठ एक दूसरे से जुड़ पाते, कैलाश के मोबाइल फोन की रिंग उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। दोनों ने काफी समय से अपनी सांसें रोक ली थी। मोबाइल रिंग होने से दोनों का ध्यान टूट जाता है और एक दूसरे से अलग होते हुए दोनों गहरी लंबी सांस छोड़ते हैं। कैलाश देखता है कि उसे यतीश का फोन आ रहा होता है। कैलाश कंफ्यूज सा नीरा की तरफ देखता है और कहता है, यतीश मुझे क्यों फोन कर रहा है और वो भी उस वक्त? कैलाश का फ्रस्ट्रेशन नीरा समझ जाती है, वो भी उन दोनों के इस प्राइवेट लम्हे को पूरी तरह एंजॉय करना चाहती थी। पर कैलाश की चिढ़ देख के नीरा को हंसी आ जाती है। बहरहाल कैलाश कॉल रिसीव करता हुआ कहता है, हाँ यतीश क्या बात है? नीरा देखती है कि कैलाश थोड़ी देर तक यतीश की बात सुनता है। नीरा को वो बात सुनाई नहीं देती है। कैलाश फोन पर ही कहता है, पर अचानक मुझे क्यों बुलाया है? कैलाश के सवाल का जवाब यतीश देता है,
जिसके बाद कैलाश नर्वस होकर यतीश से कहता है, मैं भी काम से थोड़ा बाहर आया था। नीरा समझ जाती है कि कैलाश से उसकी लोकेशन पूछी गई थी और वो किसी को बताना नहीं चाहता था कि वो नीरा के साथ अकेला था। कैलाश आगे कहता है, ठीक है मैं आता हूं। फोन काटते ही कैलाश वापस नीरा को किस करने की कोशिश करता है। इस बार वो थोड़ा जल्दी में दिख रहा था। नीरा कैलाश से दूर होते हुए पूछती है, कैलाश क्या बात है, क्या कह रहे थे यतीश? कैलाश नीरा की बातों का जवाब नहीं देना चाहता था और वो अपनी रोमांटिक कोशिशें जारी रखता है। नीरा कैलाश को रोकती हुई दोबारा पूछती है, कैलाश प्लीज स्टॉप, मुझे बताओ कि क्या बात है। कैलाश समझ जाता है कि वो जो भी करना चाहता था अब उसके लिए देर हो चुकी थी। वो नीरा से कहता है, डैड ने मुझे याद किया है, मुझसे मिलना चाहते हैं। नीरा कहती है, तो फिर तुम बैठे क्यों हो, जाओ, पता नहीं गुरुजी को क्या जरूरी बात करनी है तुमसे। कैलाश एंड में कहता है, ठीक है नीरा, पर हम ये अधूरे जज्बात कब पूरे करेंगे। नीरा कैलाश से कहती है, कैलाश हम बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं और अचानक इतनी बड़ी छलांग लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आई थिंक वी शुड टेक इट लिटिल ईजी। नीरा की बात सही थी, जो भी कैलाश करना चाहता था उससे पहले दो प्यार करने वालों के बीच की दूरी कई मायनों में मिट जानी चाहिए। नीरा और कैलाश ने अब तक एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था। अचानक कैलाश को अपनी गलती का एहसास होता है और शर्मिंदा होते हुए कैलाश नीरा से कहता है, आई एम सो सॉरी नीरा, मैंने जो भी किया आई थिंक तुम सही कह रही हो। कैलाश चाहता तो नीरा के साथ कुछ भी कर सकता था और नीरा उसे यकीनन रोकती नहीं, पर अब कैलाश के मन में सवाल उठता है, क्या नीरा के साथ ऐसा कुछ भी करना सही था? जवाब कैलाश का मन तुरंत उसे दे देता है, हरगिज नहीं। अपने किए पर शर्मिंदा कैलाश कहता है, नीरा अब मैं चलता हूं, डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। नीरा स्माइल करती हुई कैलाश से कहती है, ऑलराइट कैलाश। नीरा कैलाश को वहां से जाता हुआ देख रही थी। नीरा के मन में भी कई बातें चल रही थी, कई सवाल चल रहे थे। नीरा खुद से पूछती है, नीरा कहां तक कैलाश को आगे बढ़ने देती? नीरा का मन उसे कहता है, मैं तो कैलाश की कब से हो चुकी हूं, कैलाश के लिए कैसी दहरीज। इसी सोच के साथ नीरा वहां रह जाती है और कैलाश अपने डैड से मिलने महल की ओर बढ़ जाता है। क्या कहना चाहते थे राजा दक्ष अपने बेटे से, जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। लाखों वर्ष पूर्व धरणी कुछ कॉन्टिनेंट्स में बट गई थी, उनमें से ही एक है त्रिवास। त्रिवास महाद्वीप का आगे चल के विभाजन हुआ और वह पांच साम्राज्यों में बटा, जिनका एक भाग है अंगीरा, जिसके राजा महाराज दक्ष हैं। अंगीरा के अलावा बाकी चार हैं, औली, आर्याना, संभाला, अगरथा। यह पांच राज्य मिलकर त्रिवास महाद्वीप बनाते हैं, जिस पर राज था अत्यधिक शक्तिशाली शासक राजा धवल का। इन पांच साम्राज्यों में भी लगातार गतिरोध होता रहता था और वर्तमान में राजा दक्ष के साथ औली और आर्याना के शासक मिलकर एक गुट बनाए हुए थे, जिनकी प्रबलता बाकी के दो राज्य संभाला और अगरता के शासकों से ज्यादा थी। अगर पहले गुट में से किसी एक का झुकाव दूसरे गुट की ओर हो जाए तो मामला काफी बिगड़ सकता था और शक्ति का यह असंतुलन बहुत ज्यादा विध्वंसक रूप ले सकता था। इसी चिंता में डूबे राजा दक्ष कैलाश का इंतजार कर रहे थे और इतने में उनके दरवाजे पर नौक होता है। राजा दक्ष कैलाश को अपने दरवाजे पर खड़ा पाते हैं। अंदर आओ कैलाश, और हाँ पीछे से दरवाजा बंद कर दो। कैलाश अपने डैड के कक्ष में एंटर करता है
वो क्यूरियस था कि अचानक उसके डैड ने उसे क्यों याद किया। अंदर आकर कैलाश कमरे का दरवाजा बंद करता है और राजा दक्ष की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आपने मुझे बुलाया डैड? कैलाश देखता है कि उसके पिता किसी चिंता में थे और चुप थे। कैलाश पूछता है, डैड क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? हाँ कैलाश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। और इतना कहकर दक्ष फिर शांत हो जाते हैं। कैलाश अपने डैड की तरफ देख रहा था कि कब उसके पिता उसे कुछ बताएंगे। राजा दक्ष अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रहे थे, उनके सामने मल्लारी का नजारा था। अपने विचारों से खुद को बाहर निकालते हुए कैलाश से राजा दक्ष कहते हैं, कैलाश तुम्हें पता है कि त्रिवास 5 भागों में बटा है, जिसका एक हिस्सा हमारा अंगीरा भी है। कैलाश कहता है, हाँ डैड मैं जानता हूँ, हमारे अलावा ओली, आर्यना, संभाला और अगरता दूसरे राज्य हैं। ठीक कहा तुमने। फिर दक्ष आगे कहते हैं, और तुम यह भी जानते होंगे कि हमारी नजदीकी इनमें से किन राज्यों के साथ हैं। कैलाश कहता है, जी डैड, ओली के अलावा आर्यना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, बाकी बचे दो वो तो लगभग हमें खत्म ही कर देना चाहते हैं। कैलाश की बात सुनकर राजा अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, और अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से बुरे लोगों का पलड़ा भारी हो जाएगा, और उसके साथ ही हो सकता है त्रिवास में अंदरूनी उथल पुथल हो जाए। कैलाश भी शॉक्ड था, वो ऊंची आवाज में कहता है, यह क्या कह रहे हैं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो हम पर ही हमला होगा। कैलाश की आवाज कमरे के बाहर जाने का डर था। राजा दक्ष तुरंत चैतन्य हो जाते हैं और कैलाश से कह उठते हैं, कैलाश तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, अंगीरा में तुम तीसरे हो जिसे यह बात पता चली है। कैलाश को अपनी गलती का एहसास होता है, वो अपने डैड के पास जाता है और कहता है, ऐसा क्या हुआ है डैड जो आप इंटरनल वॉर की बात कर रहे हैं? बुरी खबर ओली से आ रही है कैलाश। राजा दक्ष कैलाश को बताते हुए कहते हैं, ओली के प्रिंस अमिराज जो कि वर्तमान में ओली के राजा के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें उनका भाई वाक उनकी जगह से निकाल देना चाहता है। कैलाश अपने डैड की बात पूरी करते हुए कहता है, और अगर वाक ने ओली पर कब्जा कर लिया तो दुश्मन गुट मजबूत हो जाएगा और उसी के साथ हमारा इन्फ्लुएंस अंगीरा में अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वेद कुल का एंड हो सकता है इस विद्रोह से, और भरत बिना युद्ध करे अंगीरा का शासक बन जाएगा, जिसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दक्ष कहते हैं, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है कैलाश, पर मैं बिना संघर्ष के अंगीरा को उन जालिमों के हाथ नहीं जाने दूंगा। कैलाश चिंतित हो जाता है और कहता है, पर डैड आप भी जानते हैं इस युद्ध का क्या अंजाम होगा, अगर आपने युद्ध किया तो हमारे कुल का सफाया हो सकता है। ओली के प्रिंस की शक्ति के बारे में मुझे जानकारी है, वो हम सबसे कहीं एडवांस स्टेज में हैं, और जब उन्हें ही हराकर निकाल देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, शायद उन्हें जान से ही मार डाला जाए तो हम क्या कर सकेंगे, इसमें तो आपकी जान को खतरा है, और आपका इस युद्ध में जो भी साथ देगा उसकी भी जान ले ली जाएगी। राजा दक्ष अपनी चिंता और कैलाश के तर्क से उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो, मैं ऐसे ही अपना साम्राज्य उनके हवाले कर दूं, बर्बाद हो जाने दूं मैं अंगीरा को, सिर्फ अपनी और अपने कुल की जान की परवाह करके पीठ दिखा के भाग जाऊं? ये रास्ता बुजदिली का है और मैं बुजदिल नहीं हूं कैलाश। कैलाश जानता था कि उसके पिता से इस बारे में बहस करना ठीक नहीं था। कैलाश अपनी सोच लगाने की कोशिश करता है और अपने पिता से पूछता है, डैड पर ओली की जनता तो राजा मिराज के साथ है, क्या उसके बाद भी उनके खिलाफ यह षड्यंत्र करा जा सकता है? राजा दक्ष बताते हैं, अमिराज ने यकीनन जनता के दिल में अपनी अलग जगह बना ली है, पर तुम्हें शायद ये पता नहीं कि अमिराज राजसी खून नहीं है। कैलाश पूछता है,
मैं कुछ समझा नहीं। कैलाश, अमीराज राजा का खून तो है, पर उनकी माँ महल में काम करने वाली एक दासी थी। वो रानी की संतान नहीं है, और अब यह बात औली की जनता को भी पता चल चुकी है। इसके चलते अमीराज की सारी खूबियां जनता की नजरों में हल्की पड़ रही है, और इसका फायदा उठाते हुए वाक अमीराज को सिंहासन से हटाना चाहता है। वो भी उतना ही शक्तिशाली है, और धीरे धीरे उसने औली के बहुत से पावरफुल लोगों का सपोर्ट भी हासिल कर लिया है। अब अगर विद्रोह होता भी है तो अमीराज के साथ जनता खड़ी नहीं होगी। कैलाश सोच में पड़ जाता है। उसे सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ रही थी। औली आकार में और प्रतिष्ठा में अंगिरा से काफी बड़ा था, और उससे कहीं ज्यादा समृद्ध भी था। कैलाश तो क्या, राजा दक्ष भी सीधा कुछ कर नहीं सकते थे। इस परिस्थिति में सामने आकर कुछ भी करना संभव नहीं था। राजा दक्ष को सभी अच्छे से जानते थे, और उनके इन्वॉल्वमेंट से बात खास तौर पर अंगिरा के लिए ही बिगड़ सकती थी। कैलाश अपने डैड से कहता है, डैड हमें कुछ करना ही होगा, ऐसे हम हाथ पर हाथ रखे सिचुएशन को खराब होता नहीं देख सकते। क्या आइडिया है तुम्हारे दिमाग में कैलाश? दक्ष कैलाश से पूछते हैं। कैलाश कहता है, डैड अभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हुए कैलाश की नजर उसके बैग पर पड़ती है। ये वही बैग था जिसमें कैलाश त्रिगुण बूटी लाया था। कैलाश भागता हुआ उस बैग के पास जाता है। राजा दक्ष भी कैलाश को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है कैलाश, क्या है उस बैग में? जब दक्ष कैलाश से सवाल पूछ रहे थे, तब कैलाश उस बैग को बाहर से टटोल रहा था। वह पाता है कि उस बैग का जिप फॉर्चुनेटली बंद था, और उसे बूटी के होने के संकेत मिल रहे थे। कैलाश दक्ष से पूछता है, डैड आपने कहा कि अमीराज वाक से कम शक्तिशाली है? दक्ष जवाब देते हैं, हाँ यह बात सच है, वाक ने समय के साथ अपनी शक्तियों में काफी बढ़ोतरी कर ली है। पहले अमीराज बड़ा होने की वजह से अपने सौतेले भाई वाक से ज्यादा शक्तिशाली था, पर अब उनके बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका है। कैलाश के मन में क्या चल रहा है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कैलाश पूछता है, क्या मेरी मुलाकात उनसे हो सकती है? इसके आसार नहीं के बराबर हैं कैलाश, अमीराज की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, उन तक पहुंच पाना कम से कम मेरे बस की बात नहीं। दक्ष जवाब देते हैं। कैलाश कहता है, डैड मुझे औली जाना होगा। पर तुम वहां जाकर क्या करना चाहते हो? राजा पूछते हैं। कैलाश के मन में जैसे कोई प्लान ऑलरेडी काम करने लगा था। वो अपने डैड से कहता है, डैड मुझे लगता है मेरे पास इस परिस्थिति का सॉल्यूशन है। शायद ये हमेशा के लिए नहीं काम करेगा, पर अमीराज को कुछ समय की मोहलत जरूर दिला सकता है। दक्ष कहते हैं, कैलाश तुम जो भी सोच रहे हो वो तुम्हें संभल के करना होगा। तुम वहां पकड़े नहीं जा सकते, अगर ऐसा हुआ तो अंगिरा पर संकट आ सकता है। किसी भी कंडीशन में तुम्हें औली में देखा नहीं जा सकता। कैलाश अपने डैड की बात सुन तो रहा था, पर वो उन्हें देख नहीं रहा था। उसकी नजर कहीं और थी, जैसे उसके दिल में कोई और बात चल रही हो। राजा कैलाश से दोबारा कहते हैं, कैलाश तुम सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारी छोटी सी गलती और वाक अपने सौतेले भाई से पहले हम पर हमला कर देगा। कैलाश कहता है, हाँ डैड मैं अलर्ट रहूंगा, आई विल मेक श्योर नो वन सीज मी। दक्ष पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे मन में क्या है? कैलाश दक्ष से कहता है, डैड आपकी जान मैंने इस बूटी से बचाई है जो कि इसके अंदर अभी भी है। यह बूटी इतनी शक्तिशाली है कि किसी की भी मदद कर सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह अमीराज के लिए भी फायदा लेकर आ सकती है। दक्ष कहते हैं, यह कौन सी बूटी है? कैलाश बताता है, डैड मुझे इसके बारे में शमन ने बताया था, इसे त्रिगुण बूटी कहते हैं। यह नाम लेते ही राजा दक्ष के माथे पर
टेंशन दिखने लगती है। वो कहते हैं, यह बूटी तो अंगीरा क्या पूरे के पूरे त्रेवास में नहीं पाई जाती, सिर्फ सप्तम में इसके पाए जाने की बात सुनी है। इसे तो आज तक कोई छू भी नहीं पाया है, यह तुम्हारे पास कैसे आई? डैड, मुझे आपकी जान बचानी थी और यही हमारी आखिरी उम्मीद थी। मैं सप्तम जाकर इसे लेकर आया हूं। यह सुनकर दक्ष कहता है, कैलाश तुमको पता भी है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से अब आगे क्या होने जा रहा है? महाराज धवल को सप्तम ने चेतावनी दी है कि वो त्रिवास पर हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो पूरे त्रिवास में संकट के बादल मंडरा रहे होंगे, और तब त्रिवास अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा होगा। तुम्हें पता भी है, मेरी जान बचाने के लिए तुमने लाखों की जान खतरे में डाल दी है। इस पर कैलाश अपने डैड से कहता है, डैड, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, और आपको वैसी हालत में देखने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य था, आपकी जान बचाना। मैंने और कुछ नहीं सोचा। आप अब ठीक हैं और मुझे विश्वास है कि आप इस सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। आप मुझे ओली जाने के लिए परमिशन दें। मुझे यकीन है इस बूटी से हम अमीराज की मदद कर सकते हैं। दक्ष कैलाश से कहते हैं, ठीक है, पर मेरी कही बात अपने जहन से जाने नहीं देना। कभी भी यह मत भूलना कि जो भी तुम करने की सोच रहे हो उसमें अंगीरा का हाथ नहीं दिखना चाहिए। कैलाश दिलासा देते हुए कहता है, डैड, इस बात का मैं ख्याल रखूंगा, पर मेरे लिए उससे भी बड़ा चैलेंज है अमीराज से मिलना। क्या आप मेरी उसमें मदद कर सकते हैं? दक्ष कैलाश को निराश करते हुए कहते हैं, कैलाश, अगर मेरे कनेक्शंस पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं तो तुम्हारी इस जर्नी का अंत ओली में पैर रखते ही हो जाएगा। जो भी करना है तुम्हें अकेले ही करना होगा। तुम्हें ही अमीराज से मिलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जैसे तुमने प्लेन उड़ाना सीखा है, वैसे ही मुझे यकीन है कि यह काम भी तुम कर ही लोगे। कैलाश अपने पिता की बातों में ताना महसूस करता है। कैलाश ने उन्हें अभी तक अपने एडवेंचर के बारे में नहीं बताया था। वो अपने डैड से कहता है, डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओली से लौटते ही मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा, और फिर मेरे पास तो ओली की भी घटनाएं होंगी आपसे शेयर करने के लिए। अभी मैं चलता हूं, मुझे जल्दी ही निकलना होगा। कैलाश अपने डैड के पैर छूता है और निकलने लगता है। अपने बेटे को जाता देख राजा दक्ष खुश तो थे, पर उन्हें यह भी चिंता हो रही थी कि कैलाश के सामने फिर एक खतरनाक मिशन था। कैसी शुरुआत होगी कैलाश के दूसरे मिशन की, और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कैलाश को ओली में, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।